देश में कोरोना से बिगड़ते हालात देखकर हर किसी के दिल से एक ही बात निकल रही है कि कैसे भी करके हालात ठीक हो जाएं। इसी बीच हरियाणा के जींद से एक ऐसा चोरी का मामला सामने आया है जहां चोर ने पहले अस्पताल में रखी दवाइयां चुरा ली, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये दवाइयां कोरोना की है तो उसने वो दवाइयां वापस लौटा दी और एक कागज पर सॉरी लिखकर माफी भी मांगी। चोर ने लिखा है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये कोरोना की दवाई है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, चोर ने क्यों चोरी की और उसके बाद उसने दवाइयां क्यों लौटा दी। जींद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सिविल अस्पताल से किसी ने रात करीब 12 बजे कोरोना की दवाई चुरा ली, लेकिन अगले दिन गुरुवार को चोर का जमीर जाग गया और उसने चाय की दुकान पर बैठे एक व्यक्ति को थैला पकड़ाते हुए कहा कि इसमें थाने के मुंशी का खाना है। चोर थैला देकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी थैला लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने थैला खोलकर देखा जिसमें कोविशील्ड के 182 और कोवैक्सीन की 440 डोज मिली। साथ ही थैले में एक कागज भी निकला जिस पर लिखा था, सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की दवाई है। उधर पुलिस का कहना है कि चोरों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के चक्कर में चोरी की होगी और बाद में पता चला होगा कि ये कोरोना वैक्सीन है तो वापस लौटा गया। उधर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि चोर के खिलाफ अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने सिविल सर्जन से इस बारे में गाइडलाइन मांगी है कि करीब 12 घंटे तक फ्रीज के बाहर रखी ये दवाई उपयोग में लिए जाने लायक है या नहीं। वहीं सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टर विमला राठी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के जिला भंडारण के साथ पीपी सेंटर में टीकाकरण के लिए बूथ बनाया गया है, लेकिन सुबह जब स्वीपर सुरेश वहां सफाई के लिए पहुंचा तो दरवाजे के कांच टूटे हुए थे और वैक्सीन स्टोर खुला हुआ था। इसके बाद अन्य स्टाफ को सूचना देकर बुलाया गया तो मौके पर अन्य दवाइयों की शीशियां बिखरी हुई थी, साथ ही कोरोना वैक्सीन की 171 डोज भी गायब थी। टीपीवी न्यूज भी आपसे आह्वान करता है कि जो सरकार द्वारा कोरोना की गाइडलाइन जारी हुई है उनका पालन करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जब तक कोई जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना के हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं और आगे की स्थिति का भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।